जय महेश। मैं मधुसूदन गांधी, एडमिन दक्षिण माहेश्वरी विचार मंच, आप सभी को विनम्र अभिवादन करता हूं। विचारों की चौपाल माहेश्वरी विचार मंच और सभी लोगों को समाहित करने हेतु इसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य एवं ग्लोबल इन क्षेत्रों में विभाजित किया है। समाज की रीति नीतियों में आए बदलाव पर विचार करने हेतु एक विचारों की श्रृंखला चेंज विद द चेंज इस नाम से प्रति सप्ताह आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसमें प्रति सप्ताह हमारे एडमिन ग्रुप से एक सदस्य अपने विचारों को आपके समक्ष रखेगा। आज मुझे अवसर मिला है कि अपनी भावनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। साथियों, कोरोना इस आपदा से इस समय संपूर्ण विश्व ग्रस्त है और इस आपदा की वजह से जो बदलाव हम में आए हैं, उन बदलाव को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ बदलाव निश्चित रूप से हमारे लिए सकारात्मक हुए हैं और उन सकारात्मक बदलाव को हम चाहेंगे कि कैसे हम बरकरार रख सके, ये प्रयास हमारा हो। इन बदलाव को समझने के लिए हमें कोरोना पूर्व स्थितियों की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। साथियों, कहते हैं इच्छाओं का अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है और हम उस समय अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की दौड़ में लगे हुए थे। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल थे और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उस समय पैसा कमाना यही सबसे बड़ी हर आदमी की इच्छा थी। नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी को हमने इजाद किया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने कई कुदरत के नियमों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुदरत पर विजय पाने का प्रयास हमने किया। कुछ हद तक हमें सफलता भी मिली और इस सफलता के उन्माद ने हमने अपने जीवन मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को कहीं खो दिया है, ऐसा मुझे लगता था। अचानक कहर बरपा, कुदरत का कुछ ऐसा कहर बरपा कि सब कुछ थम सा गया, सारे व्यवहार एकदम जम से गए, सब कुछ रुक गया और इस रुकने की परिस्थिति में निश्चित रूप से आर्थिक रूप से तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी आए हैं जिनको हम सकारात्मक कह सके, ये अर्थात मेरी भावना है। हम उन बदलाव को संक्षिप्त रूप से बारी बारी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। स्वयं में आए बदलाव। साथियों, पैसा कमाने की दौड़ में, व्यस्तताओं की दौड़ में हमने अपने आप को तक भुला दिया था, ऐसा मेरा मानना है। हम कितना ध्यान अपने ओर रख पाते थे उस समय, यह निश्चित रूप से विचार का विषय है। बदलाव आया और हम हर व्यक्ति अपने प्रति, अपने आरोग्य के प्रति, अपने काम के प्रति सजग हो गया। हमारे जीवन मूल्य, हमारी विरासत, योग, आयुर्वेद, इसकी ओर हम फिर से जाने लगे। ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव है, ऐसा मेरा मानना है। हर व्यक्ति खुद की चिंता में खुद से संवाद करने लग गया है, ये भी सकारात्मक बदलाव है। परिवार, कोरोना से पूर्व जिस दौड़ में हम थे, उस दौड़ के कारण हम अपने परिवारों को कहीं खो से गए थे, ऐसा मुझे लगता है। पारिवारिक संवाद कहीं रुक गया था। परिवार के सदस्यों से मिलना तो दूर, उनसे संवाद करने के लिए समय ही भी नहीं दे पा रहे थे, ये परिस्थिति थी
कोरोना की आपदा आई, कुछ ऐसा अचरज होता है कि हम सारे सारे परिवार के लोग एकत्रित आ गए। परिवार की शक्ति का महत्व हमें महसूस होने लगा, हमारा पारिवारिक सदस्यों से संवाद बढ़ गया, एक दूसरे के प्रति अपनापन की भावना, एक दूसरे के प्रति एकता की भावना बढ़ने लगी। ये सकारात्मक संवाद है। सामाजिक परंपराएं, सामाजिक मूल्य, इसमें आए बदलाव केवल दो ही चीजों में मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात शादियों की परंपराएं। साथियों, कई सामाजिक वक्ताओं ने, सामाजिक पदाधिकारियों ने विभिन्न बैठकों के माध्यम से इस विषय पे मार्गदर्शन किया है। वे हमेशा मार्गदर्शन यही करते थे कि शादियों में सादगी हो, दिखावा न हो, पैसे का अनुचित खर्च न हो, लेकिन उस समय ये केवल बातें भाषण तक ही सीमित रहती थी, ऐसा नजर आता है। कोरोना एक छोटे से इस वायरस ने हमारे इस सोच में ऐसा बदलाव लाया है कि हम सादगीपूर्ण शादियों में विश्वास करने लग गए हैं, या ऐसा कहे कि हम मजबूर हो गए हैं कि शादियों के सारे व्यवहार, सारे संस्करण, सारे कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से हम करें, कम से कम लोगों में केवल पारिवारिक सदस्यों के बीच ही करें। यही तो बात कोरोना पूर्व हमने कही थी, लेकिन आज ये बदलाव भी सकारात्मक है। पारिवारिक मूल्य, जीवन मूल्य, इनमें आए बदलाव सकारात्मक तो है ही, लेकिन सामाजिक संगठनों में भी जो बदलाव आए हैं वो भी हमें लगता है कि हमें सकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं। महासभा की बैठक हो, प्रदेश सभा स्तर की हो या जिला स्तर की हो, हम उन बैठकों को याद करें, उन बैठकों में कितना समय, कितना पैसा व्यय होता था। करीबन जो भी आयोजक होते थे उन्हें एक एक दो दो महीना इसकी तैयारी में लगता था। जो भी सदस्य इस बैठकों को उपस्थित होने के लिए चलते थे, एक एक दो दो दिन का सफर करते हुए उस बैठक में उपस्थित रहते थे। अब ऐसा कुछ हुआ और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हम कह सकते हो, जूम हो, गूगल हो, इन माध्यम से हमारी बैठकें घर बैठे ही संभव होने जा हो रही है, जिसमें समय की बचत हो रही है, पैसों की बचत हो रही है। ये बदलाव निश्चित रूप से स्वागतार्ह है, मैं इसे भी सकारात्मक बदलाव कह सकता हूं। ऐसे ही कुछ बदलाव की ओर मैंने आज इशारा किया है। कई बदलाव है जिन पर अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। इस श्रृंखला में आगे आगे मेरे साथी इन सारे विचारों को आपके विचारार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करते जाएंगे। आज मेरे मन में जो कुछ भाव थे, इन भाव को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी निवेदन के साथ कि ये जो कुछ भी बदलाव भले ही कोरोना के कारण आए हो, लेकिन ये बदलाव सकारात्मक है, तो हम अब प्रयास करें कि इन सकारात्मक बदलाव को कैसे बरकरार रखें, कैसे हम इन बदलाव को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। जय महेश।